कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें, इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विवरण भी दिया और बताया कि कैसे यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर खामोश रहे। वे मणिपुर नहीं गए, वे लक्षद्वीप जाकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन दंगा प्रभावित मणिपुर नहीं जाते हैं। संसद में विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं देते हैं। खड़गे ने आगे कहा कि मणिपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन पीएम मोदी या तो लक्षद्वीप के समुद्र तट पर गए और तैराकी की फोटो सेशन कराई या फिर अयोध्या मंदिर निर्माण स्थल पर फोटो खिंचवाने गए। केरल और मुंबई भी गए, वह हर जगह जाते हैं, आप हर जगह उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जागने के बाद सबसे पहले भगवान के दर्शन। लेकिन ये महान व्यक्ति मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बम्बई में निकाल लेते हैं। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हमें संसद में अपने मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। फिलहाल अब देखना होगा कि खड़गे का पीएम मोदी पर ये विवादित बयान देने के बाद ये मामला कितना तूल पकड़ता है और भाजपा की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।